I am Dr. Ruzina Akhtar. I am a consultant clinical psychologist and uh, also working as a uh, medical physician. My expertise is that uh, I am working as a uh, as family counselor and a special child educationist. Currently, I am working at Saida Khatun Trust Hospital and Special Education Center. Uh, मेरी एक्सपर्टी जो है उसमें हम डेली बेसिस पे जो ऐसे पेशेंट्स को डील करते हैं जो कि इंटेलेक्चुअली डिलेड होते हैं और डिफरेंट जो डिफ़िकल्टी के साथ लाइक पर्सन विद डिफ़िकल्टीज़ जो हैं या डिज़बलिटीज़ जो हैं उन्हें हम ट्रीट करते हैं इसके इसके अलावा जो फर्दर जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ लाइक डिप्रेशन एंग्जाइटी अल्जाइमर डिजीज़ बार्गनस डिज़ीज़ डिमेंशिया एटिंग डिसऑर्डर और इंसोमिया वगैरह इस तरह के जो प्रॉब्लम हैं हम उनको डील करते हैं उनको हम मेडिकली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ साथ जो है काउंसलिंग uh, स्किल्स और इसके साथ जो है थ्रू uh, थेरेपीज़ इसको साइकोथेरेपीज़ जो है इसे ट्रीट किया जाता है आज हम बात करेंगे नींद क्या है नींद की ख़राबी या नींद की कमी क्यों होती है और इसमें क्या मुश्किलात आती हैं और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं सबसे पहले नींद क्या है जब से इंसान पैदा हुआ है या इस दुनिया में आया है तो दिन और रात का तस्वर है कि दिन जो है वो काम के लिए होता है और रात जो है वो आराम के लिए होती है तो इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर इंसान की नींद में कमी या ख़राबी पैदा हो जाए तो प्रॉब्लम आते हैं नींद जो है वो आसान से लफ्ज़ों में अगर बताया जाए कि नेमत है ख़ुद को पुरस्कून जिसमानी और ज़हनी तौर पर रखने के लिए नींद जो है बहुत ज़रूरी है और अगर देखा जाए कि कोई मशीन मसलसल वर्किंग करती रहे तो वो ख़राब हो सकती है या वो ख़राब हो जाती है जब तक हम उसे कुछ टाइम के लिए रेस्ट नहीं दें तो नींद एक ऐसी इंसान की बॉडी के लिए इंसान के बहुत सारे निज़ाम जो है वो नींद में रेस्ट करते हैं और उसके बाद दोबारा से जो है वो वर्किंग में उससे बेहतरीन होकर जो है वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं नींद जो है वो एनर्जी रीस्टोर करने का भी एक जरिया है हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो नींद की कमी या नींद की खराबी का शिकार हो जाते हैं इसको हम साइकोलॉजिकल टर्म में इंसोमिया कहते हैं इंसोमिया जो है वो नींद की कमी नींद की खराबी या नींद का प्रॉपर तरीके से नहीं आना उसे हम इंसोमिया कहते हैं इंसोमिया की जो है वो टू टाइप्स होती हैं एक्यूट इंसोमिया और क्रॉनिक इंसोमिया एक्यूट इंसोमिया में जो सबसे पहले ऐसा है कि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्यूट इंसोमिया से जो सफ़र कर चुके होते हैं लाइक अगर हमें कोई नॉर्मल सी स्ट्रेस कोई परेशानी या डिप्रेशन इस तरह की थोड़ी सी फील हो या कोई टेंशन आ जाए तो हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है इसके अलावा बॉडी पेन हो इस तरह की चीज़ तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है और साथ साथ इन इन्वायरमेंटल या सीजनल कोई इम्पैक्ट आ जाए यानी सीजन का कोई वेदर का इम्पेक्ट हो तो उससे भी नींद इंसान की डिस्टर्ब हो जाती है तो इसको अगर हम मैनेज कर लें और ये चीज़ें अगर मैनेज हो जाएँ तो नींद प्रॉपर हो सकती है लाइक like अगर कोई टेंशन uh, थोड़ी बहुत लाइफ के अंदर है तो अगर वो टेंशन uh, हमारी क्लियर हो जाती है तो नींद प्रॉपर हो सकती है इसके साथ साथ अगर पेन का इशू है तो पेन रिलीफ हो जाए तो भी नींद हमारी प्रॉपर हो जाती है और इसके अलावा कोई सीजनल इम्पैक्ट या कोई वेदर का इम्पैक्ट है तो जैसे ही वेदर से इंसान या वो पर्सन जो नींद प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है एडजस्ट कर जाए तो भी इंसान की जो नींद है वो प्रॉपर हो जाती है क्रॉनिक इंसोमनिया जो है ये लंबे अरसे तक जो है ना नींद की जो खराबी प्रॉब्लम पैदा होता है उसे हम क्रॉनिक इंसोमनिया कहते हैं क्रॉनिक इंसोमनिया के अंदर कोई टेंशन डिप्रेशन और एंजाइटी जो एक लॉन्ग टर्म्स या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इंसान उससे सफ़र करता है उसे क्रॉनिक इंसोमनिया में हम ऐड करेंगे और इसके अलावा कोई ऐसा आ, क्रॉनिक फ़िज़िकल इशू या क्रोनिक मेंटल इशू आ जाए तो भी इंसान क्रॉनिक इंसामिया से सफ़र करता है यानी जो लंबे अर्से के लिए नींद जो है वो डिस्टर्ब रह सकती है क्रॉनिक uh, इंसामिया में ऐसे पर्सन होते हैं लाइक uh, like कोई पर्सन अगर सोने के लिए लेटा है और वो लंबे अरसे तक यानी दो घंटे दो दो से तीन घंटे सोने के लिए लगा देता है दो इसकी रीज़न ये होती है कि थ्रू डिप्रेशन एंगजाइटी उसके माइंड के अंदर डिफरेंट थाट्स आने शुरू हो जाते हैं वो थाट्स जो है वो उसके नींद के प्रोसेस के अंदर खलल डालते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपरली नहीं सो पाता क्रॉनिक इंसोमिया के अंदर एक और कैटेगरी आ जाती है ऐसे लोग होते हैं जो कि सो जाते हैं लेकिन अगर रात के किसी टाइम में वो उठ जाएं और दोबारा उनके लिए सोना मुश्किल हो जाता है वो भी क्रॉनिक इंसोनिया के अंदर ही ऐड होते हैं कुछ ऐसे पर्सनस होते हैं जो कि अर्ली मॉर्निंग या डे टाइम मॉर्निंग टाइम में कुछ टाइम जल्दी उठ जाए वो बाद में जितनी मर्ज़ी सोने की कोशिश करें लेकिन उनको नींद नहीं आती उसकी भी रीज़न ये होती है कि वो डिफरेंट थाट्स वग़ैरह उनके माइंड में आ जाते हैं या उनको कोई इस तरह की बॉडी मेंटल uh, या फ़िज़िकल इशू आ जाता है जिसकी वजह से वो बाद में सो नहीं पाते अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि छः से आठ घंटे सोते हैं लेकिन सोने के बावजूद वो जब मॉर्निंग में उठते हैं तो टीका शिकार होते हैं वो प्रॉपरली उनकी अटेंशन स्पेन में प्रॉब्लम आ जाता है और कंसंट्रेशन नहीं अपने काम में कर पाते क्योंकि कोई ऐसा फ़िज़िकल इशू या कोई इस तरह की चीज़ आ रही होती है मेडिकल इशू जो उसको डिस्टर्ब कर रही होती है और वो पर्सनस भी इंसोमिया के अंदर ऐड हो जाते हैं यानी नींद की प्रॉब्लम उन लोगों को भी हो जाती है ऐसे लोग जो हैं वो थका हुआ फील करते हैं उनका एनर्जी लेवल जो है वो कम हो जाता है कंसंट्रेशन नहीं रहती काम पे और उनको जो आ, काम वो करना चाहते हैं उस काम ना करने की वजह से चिड़चिड़ापन आ जाता है उन्हें गुस्सा आता है और दूसरों के साथ जो उनके सोशलाइजेशन के जो वर्किंग या कोई टॉकिंग या कोई बात है वो डिस्टर्ब हो जाती है क्रॉनिक इंसोमिया में साइकोलॉजिकली तौर पे या बिहेवियर तौर पे ये इश्यूज आने के साथ साथ कुछ मेडिकल इश्यूज भी आ सकते हैं उस पर्सन को लाइक like उसे कोई स्टॉमिक प्रॉब्लम हो जाएगा कॉन्स्टिवेशन हो सकती है और इस तरह के उसको सांस लेने में दुशारी या इस तरह की कोई टेंशन आ जाती हैं जिसकी वजह से वो अपनी आ, अटेंशन स्पेन में और कंसंट्रेशन वर्क पे नहीं कर पाता क्रॉनिक इन में साइकोलॉजिकल इश्यूज लाइक मेंटल हेल्थ इशू जिसमें एंगजाइटी डिप्रेशन इस तरह की चीज़ें जब आ जाती है तो नींद तब भी प्रॉपर नहीं हो पाती डिप्रेशन में वो पर्सन डिफरेंट थॉट्स का शिकार होता है जिसकी वजह से सो नहीं पाता और एंग्जाइटी में उसे ये थॉट्स आते था हैं कि अगर वो सो जाएगा तो उसको ये हो जाएगा वो हो जाएगा इस तरह की डिफरेंट इंगजाइटी का वो शिकार होता है जिसकी वजह से उसकी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती